हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष नप्ते, संभाजीराव केंद्रीय महाविद्यालय जलकोट। फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है और इसी के कारण अभी तक का जो एकेडमिक कैलेंडर था या एकेडमिक ईयर शुरू नहीं हुआ। लेकिन जब मीटिंग हो गई ऑन 21 सितंबर 2020 एंड इन दैट मीटिंग दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अनाउंस दी गाइडलाइंस फॉर द एकेडमिक कैलेंडर फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। 21 सितंबर को मीटिंग हो गई यूजीसी की और उसमें कुछ गाइडलाइंस डिसाइड हुए जो कि एकेडमिक ईयर 2020-2021 के बारे में है। तो ये गाइडलाइंस मैं आपको थोड़े ब्रीफली बताने वाला हूँ यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस द एडमिशंस ऑफ फर्स्ट ईयर प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021 दैट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2020। फर्स्ट ईयर के जो एडमिशंस है और एकेडमिक ईयर 2020-2021 के ये एडमिशंस 31 अक्टूबर तक कंप्लीट होने वाले हैं। और इन सम केसेस द लास्ट डेट फॉर द एडमिशंस फॉर रिमेनिंग वैकेंसीज, अगर कुछ 31 अक्टूबर तक तो डेट है एडमिशन की, उसके बाद भी अगर कुछ वैकेंसीज तो कॉलेजेस में रह गए तो उस वैकेंसीज पे एडमिशन कंप्लीट करने के लिए 30 नवंबर की टाइम या डेडलाइन दी गई है। दिस इज दी गाइडलाइन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एंड एडमिशन कंप्लीट अभी 31 अक्टूबर तक एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे और अगर कुछ वैकेंट सीट्स है तो उस वैकेंट सीट्स के एडमिशन 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद मतलब दैट इज फ्रॉम 1 नवंबर 2020 द एकेडमिक सेशन फॉर 2020-21 दैट विल बी स्टार्टेड और दैट विल बी कॉमेंस्ड फॉर दी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कुछ जो जो गाइडलाइंस डिसाइड हुए, जो जो सजेशंस वहां पे दिए गए हैं ये एकेडमिक ईयर के लिए दैट इज फॉर 2020-2021 के लिए, तो ये यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफली आपको बताने वाला हूँ। सो ये एडमिशन प्रोसेस दैट शुड बी कंप्लीटेड अप टू 31 अक्टूबर ऑफ 2020, देन फ्रेश बैच दैट इज ऑफ फर्स्ट सेमिस्टर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर 2020। देन आपकी जो एग्जाम रहेगी ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की या फिर दैट इज ऑफ दैट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सो ये एग्जाम होंगी मार्च मंथ में एंड दैट इज फ्रॉम 1 मार्च 2021 टू 7 मार्च 2021। ये जो स्पैन है, ड्यूरेशन है या फिर टाइम है, टेंटेटिव डेट है, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली दिस इज नॉट द डेट ऑफ एग्जाम्स, दिस इज द डेट और दिस इज द ड्यूरेशन और टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ और फॉर दैट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए इस साल इस सेशन के लिए स्टूडेंट्स को मतलब ब्रेक मिलने वाला है और दैट इज फॉर प्रिपरेशन एंड दैट शुड बी ड्यूरिंग 1 मार्च ऑफ 2021 टू 7 मार्च ऑफ 2021, मतलब 7 दिन के लिए आपको ब्रेक दिया जाएगा ताकि आप आपके एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। और हम स्टूडेंट आपके स्टूडेंट्स में ये आप इसको बोल सकते हैं पीएल करके, दैट इज प्रिपरेशन लीव, जो आपके प्रिपरेशन के लिए लीव मिली है, छुट्टी मिली है और दैट इज द प्रिपरेटरी ब्रेक। देन आपका प्रिपरेशन होने के बाद जो आपकी जो एग्जाम हो जाएगी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन दैट शुड बी बिटवीन 8 मार्च 2021 टू 26 मार्च 2021, मतलब इस ड्यूरेशन के बीच मतलब आपकी एग्जाम हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक।
उसके बाद आपका जो ब्रेक रहेगा या हॉलीडेज रहेंगे वो रहेंगे 27 मार्च 2021 से 4 अप्रैल 2021 तक। मतलब अभी यहाँ पे आपका जो छुट्टियों का जो ड्यूरेशन था हर साल में जो रहता था वो यहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 जो डिस्टर्बेंसेस हुए, जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर शेड्यूल मतलब बिगड़ गया है, उसको लाइन पे लाना है, रूट पे लाना है, इसीलिए यहाँ पे छुट्टियां भी कम की गई है। सो जो हॉलीडेज रहेंगे, जो छुट्टियां रहेंगी वो है 27 मार्च 2021 टू 4 अप्रैल 2021। उसके बाद आपके जो इवन सेमेस्टर रहेंगे, मतलब सेकंड सेमेस्टर, देन उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर, तो ये जो क्लासेस शुरू हो जाएंगे ये हो जाएंगे 5 अप्रैल 2021 से। सो दिस कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इवन सेमेस्टर दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 5 अप्रैल ऑफ 2021। देन अगेन ये इवन सेमेस्टर की जो आपकी एग्जाम रहेंगी उसके लिए आपको जो ब्रेक चाहिए, या फिर हम बोलेंगे उसको प्रिपरेटरी लीव या पीएल बोलेंगे, हम उसको प्रिपरेशन लीव बोलेंगे, तो ये जो ब्रेक रहेगा आपको ये रहेगा 1 अगस्त 2021 टू 8 अगस्त 2021। मतलब यहाँ पे भी आपको 8 दिन के लिए छुट्टी दी गई है, ब्रेक दिया गया है, ताकि आप ये आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसके लिए आप प्रिपेयर कर पाओगे या फिर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाओगे। और जो ये इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम है दैट इज कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी फ्रॉम 9 अगस्त 2021 टू 21 अगस्त 2021। 9 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 के बीच आपके ये एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपका जो सेमेस्टर ब्रेक रहेगा वो रहेगा 22 अगस्त 2021 से 29 अगस्त 2021। मतलब यहाँ पे भी ब्रेक या फिर आपके हॉलीडेज कम किए गए हैं, ताकि फिर से वही रीजन कि ये पूरा एकेडमिक कैलेंडर रूटीन पे लाना है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज फ्रॉम 30 अगस्त 2021। 30 अगस्त 2021 से आपका नेक्स्ट एकेडमिक या फिर नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। मतलब इस साल जो अभी जो आपका जो एकेडमिक शुरू होने वाला है वो 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन वो 2 महीने थोड़ा सा मतलब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये रूटीन पे आने वाला है पूरा एकेडमिक कैलेंडर। तो ये जो सजेशंस थे जो मतलब मीटिंग में है, जो मीटिंग हुई थी उसमें ये पूरे सजेशंस हुए। तो इसी तरह से ये एकेडमिक कैलेंडर 2021-2021 हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कुछ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के कुछ एंट्रेंस के रिजल्ट नहीं लगे तब तक, तो यूजीसी ने एक मतलब दैट यूजीसी ने डिसाइड किया या फिर उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटीज कैन प्लान एंड दे कैन स्टार्ट द एकेडमिक सेशन बाय 18 नवंबर 2020। मतलब जो 1 नवंबर से सेशन शुरू होने वाला है, अगर कुछ एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट लेट हो गए या फिर डिले हो गए, तो इन सच केसेस दैट यूनिवर्सिटीज दे कैन प्लान टू स्टार्ट दिस एकेडमिक ईयर दैट इज 2020-21 दैट इज बाय 18 नवंबर 2020। एंड जो टीचिंग जो प्रोसेस रहेगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो रहेगी, क्योंकि अभी पैंडेमिक में कुछ बता नहीं सकते आगे क्या होने वाला है, तो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, होप दैट कोविड-19 पैंडेमिक विल स्टॉप टिल आवर दिवाली, और वी कैन होप दैट। सो लेकिन अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट कैन बी कंटिन्यूड इन 3 डिफरेंट मोड्स, दैट मे बी इन ऑफलाइन मोड, मतलब जैसे हमारा अभी तक चल रहा पूरा चला था जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर ऑनलाइन मोड में, और दैट कैन बी इन ब्लेंडेड मोड दैट इज इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स के लिए कि अभी हम देख रहे हैं मार्च एंड मंथ से लॉकडाउन शुरू हुआ था, और बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स दे लूज देयर जॉब्स, और लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स दे लूज देयर जॉब, एंड आवर स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इन आवर कंट्री दे आर फ्रॉम रूरल एरिया वी कैन सी हियर। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए पेरेंट्स को नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए यूजीसी ने कुछ सहूलत यहाँ पे दिए, कुछ कंसेशन यहाँ पे दिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फुल रिफंड आपका हो जाएगा फीस का। अगर आपके आपने किसी वजह से या फिर कौन से
जुनैन कारण से रीजन से आपने आपकी एडमिशन कैंसिल की है, तो आपका जो एडमिशन कैंसिल करने के बाद या फिर माइग्रेशन करने के बाद आपकी 30 नवंबर 2020 तक आपका पूरा फीस का रिफंड यहाँ पे हो जाएगा। सो फॉर दिस एकेडमिक सेशन ओनली, एंड दैट इज अ स्पेशल केस, क्योंकि ये COVID-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत पेरेंट्स के जॉब गए हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई है, तो इसीलिए यूजीसी ने ये भी एक मतलब अच्छी तरह डिसीजन लिया है कि अगर 30 नवंबर 2020 तक आपकी एडमिशन अगर आप कैंसिल कर रहे हैं या फिर माइग्रेशन आपका हो रहा है, तो इस केस में आपका जो फीस है वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, फुल फीस विल बी रिफंड। सो एंड दैट इज फॉर दिस सेशन। और लेटर ऑन अगर कैंसलेशन और विड्रॉल ऑफ एडमिशंस अप टू 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो इन सच केसेस आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है 1000, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर होल फीस। आपने जो पूरी फीस भरी है वहां पे उसमें से 1000 रुपीज आपकी प्रोसेसिंग फी चार्ज हो जाएंगी और जो भी रिमेनिंग फीस है आपकी वो आपको रिफंड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 30 नवंबर 2020 तक आपका कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी या फिर आपका पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, लेकिन 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज प्रोसेसिंग फी लगेगी। तो ये पूरे गाइडलाइंस है जो अभी ये एकेडमिक ईयर के लिए होने वाले हैं, 2020-2021 के लिए। सो जस्ट कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स एंड बी पॉजिटिव, देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, एंड कोऑपरेट टू आवर गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, एंड वी विल ट्राई टू ब्रेक ऑल दीज चेन्स ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक, एंड वी विल मेक आवर नेशन कोविड फ्री। थैंक यू।